नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। सरेआम घूमते हैं ये बेखौफ अपराधी, बिना किसी डर के अपराध को देते हैं अंजाम। कभी आपके पैसों पर तो कभी आपके फोन पर रहती है इनकी निगाह। दरअसल लखनऊ में एक महीने पहले नमस्ते इंडिया के डीलर से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसी लूट का खुलासा अब हुआ है कि आखिर आरोपियों का मकसद क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में एक महीने पहले नमस्ते इंडिया के डीलर कुलदीप जब अपने घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने प्रेस वार्ता कर पूरी वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके दो साथियों को दूसरे थाने के पुलिस ने अन्य मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक महीने पहले नमस्ते इंडिया के डीलर कुलदीप अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहे थे। उनके पास एक बैग था जिसमें पैसे थे। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बाइक सवार दो बदमाशों ने कुलदीप पर फायरिंग कर दी। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, ये बदमाश पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। हालांकि तभी से पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी थी, जिसके बाद पुलिस ने अब दो बदमाशों को गिरफ्तार कर आरोपी दीपक सिंह और अमर को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक लूट की इस वारदात को चार बदमाशों ने अंजाम दिया था। इनसे पहले दो बदमाश दूसरे थाना क्षेत्र से अन्य मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जबकि दो बदमाशों को अब गिरफ्तार किया गया है। अब इसी मामले में आरोपियों का कबूलनामा भी सामने आया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए कई दिनों तक डीलर कुलदीप का पीछा किया था। उम्मीद थी कि कुलदीप के बैग से कम 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसमें 40,000 रुपये ही निकले थे, जिन्हें हम दोनों ने आपस में बांट लिए थे और फिर पुलिस से बचने के लिए छिप गए थे। वहीं पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बदमाशों ने भी अपना कबूलनामा दिया है, लेकिन अपराध को अंजाम देने के एक महीने बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। दरअसल पुलिस को अपने इस सुस्त रवैये को सुधारने की जरूरत है, ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ बरकरार रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।